पटना वासियों के पसंदीदा जगहों में शुमार पटना का मरीन ड्राइव वक्त के साथ अब और भी खूबसूरत दिखने वाला है, जिसे लेकर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब इस सड़क मार्ग की लंबाई और बढ़ा दी जाएगी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अब जेपी गंगा पथ दानापुर के आगे और मनेर के करीब शेरपुर तक बनाया जाएगा। इस बात का ऐलान बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने की है। दरअसल पिछले दिनों समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा की थी कि पटना में स्थित मरीन ड्राइव को 11 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब पथ निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लेकर यह फैसला किया है कि जेपी गंगा पथ को दानापुर की ओर से विस्तार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने गंगा पथ के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्णय लिया है कि जेपी गंगा पथ को दानापुर की ओर से विस्तार किया जाएगा। इस बैठक में ये बताया गया कि शेरपुर तक अगर जेपी पथ को बढ़ाया जाता है तो उसे पटना रिंग रोड और शेरपुर दिघवारा के बीच बनने वाले नए पुल से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसे बख्तियारपुर तक ले जाए जाने की प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में ली गई है, जिसको लेकर बाद में ये निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने मरीन ड्राइव एरिया में स्टेडियम, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मॉल, सेंटर, म्यूजियम, मल्टी स्टोरेज पार्किंग, किड्स और सीनियर सिटीजन पार्क, वाटर सपोर्ट क्रिएटिविटी के साथ साथ साइकिलिंग ट्रेन का निर्माण कराने को लेकर भी चर्चा की है। आपको बताते चले कि वर्तमान में दिघा से दीदारगंज तक बन रहे गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। इसका पहला चरण दिघा से पीएमसीएच तक पूरा हो चुका है। ये भाग 7.4 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण बांध बनाकर किया गया है। साल 2011 में गंगा पथ बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में इसका शिलान्यास किया। ऐसे में मतलब साफ है कि अब आने वाले दिनों में पटना के मरीन ड्राइव की खूबसूरती की छटा दूर दूर तक फैलने वाली है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं।